गुनाजला अस्पताल से कैदी फरार, संतरी से बोला हथकड़ी ढीली कर दो, संतरी की झपकी लगी तो हो गया फरार। जिला अस्पताल से गुरुवार सुबह एक पारदी कैदी फरार हो गया। उसे सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया था। यहां उसने संतरी से कहा कि हथकड़ी काफी टाइट है, उसे थोड़ा ढीला कर दो। जब संतरी को झपकी आई तो आरोपी हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। तेगा पारदी 38 पुत्र माखन पारदी निवासी बीलाखेड़ी और मिथुन पारदी को पुलिस राजस्थान से लाई थी। मंगलवार शाम को तेगा पारदी ने कहा कि उसे सीने में दर्द हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने उसे जिला अस्पताल स्थित कैदी वार्ड में भर्ती कराया। देर रात उसने संतरी से कहा कि हथकड़ी कस रही है, ढीली कर दो। 4 से 5 बजे के बीच जब संतरी को झपकी आई तो हथकड़ी में से हाथ सटका कर फरार हो गया। संतरी की जब नींद खुली तब तक आरोपी फरार हो चुका था। फरार कैदी पर 21 मामले दर्ज। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं एएसपी मान सिंह ठाकुर सहित अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। आरोपी पर 21 मामले दर्ज हैं। जी हां, आरोपी पर गुना जिले के धरनावादा थाने मारपीट, हत्या का प्रयास, चोरी, डकैती, पुलिस पर फायरिंग जैसे कई संगीन मामले तथा फतेहगढ़ में डकैती का एक मामला दर्ज है। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात में भी कई मामले दर्ज हैं। आरोपी की तलाश में पुलिस सर्च कर रही है। एएसपी मानसिंह ठाकुर ने बताया कि तेगा पारदी को राजस्थान के चुरू जेल से डकैती के मामले में लाया गया था। आरोपी को परसों जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। आज सुबह वह हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। संबंधित पुलिसकर्मियों की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। तेगा पिता माखन पारदी निवासी बिलाखेड़ी का है। ये जेल में था परसों, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। आज सुबह करीब 5:15 बजे के आसपास ये हथकड़ी ढीली करके ना उसमें निकल के भाग गया है। किन मामलों में उसको पकड़ के लेकर आए? ये डकैती और चोरी आदि मामलों में 3 साल वगैरह में था और 15,000 इनामी भी प्रकरण में था। तो अभी किसी पे कोई कार्रवाई वगैरह? अभी पुलिस की टीम लगी हुई है उसकी तलाश में और वाकई खराब होने पे उस पर अलग से प्रकरण प्रारंभ कर दर्ज किया जाए। एक ही आरोपी था या सर और भी लोग थे? नहीं, 3 कैदी साथ में ही थे एक वार्डन में और उसमें से ये चकमा दे दिया। 3 अभी भी भीतर है फिलहाल? 2 अभी इलाज कर रहे हैं। तो संबंधित पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी थी उन पर अभी कोई एक्शन वगैरह के लिए? जाँच करके उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी विभागीय कार्रवाई। कब पकड़ा था सर? ये जेल में बाहर से आया था, चूरू राजस्थान से जेल से निकल आया गया। अच्छा, राजस्थान पुलिस ने पकड़ा। एनएसयूआई ने किया फूंका विधायक का पुतला, पंचरवाले बयान पर जताई नाराजगी, कहा विधायक कॉलेज आकर माफी मांगे। गुना प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में गुना विधायक पन्नालाल शाकी का पंचरवाला बयान तूल पकड़ता जा रहा है। आज विधायक के इस बयान पर छात्र संगठन एनएसयूआई ने अपना विरोध जताते हुए कॉलेज के बाहर गेट पर विधायक का पुतला फूंकते हुए बयान की निंदा की और विधायक से माफी मांगने की मांग की। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने कहा कि विधायक महोदय कॉलेज में आकर माता की प्रतिमा के सामने खड़े होकर माफी मांगे, हम उन्हें 48 घंटे का समय दे रहे हैं। विधायक माफी नहीं मांगते हैं तो छात्र संगठन एनएसयूआई उनके का घेराव करेगा। विधायक के बयान पर एनएसयूआई ने भाजपा सरकार को भी घेरा। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने गुना विधायक पन्नालाल जी का पुतला दहन किया गया। विगत दिनों जब प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ था उसमें पन्नालाल जी ने बोला कि बच्चों को डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है, उन्हें पंचर की दुकान खोल लेनी चाहिए। ये उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है और पन्नालाल जी का कुछ ऐसा ये नया बयान नहीं है। उन्होंने पहले भी महिलाओं के बारे में, उसके बारे में, फिर विराट कोहली के बारे में और आज सारे के सारे हमारे युवाओं के बारे में, जो आज से कुछ साल पहले 10 साल पहले देखा जाए तो अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ करता था। जो कम शिक्षित लोग हुआ करते थे उनके ऊपर बेरोजगारी बढ़ा करती थी। अब तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास डिग्री है पर उसके बाद में भी उनके पास में कोई रोजगार नहीं है। और ये पन्नालाल जी ने जो बयान दिया है उनने उनकी पार्टी के बारे में ही बताया कि वो जिस तरीके से युवाओं को जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, नीट घोटाला, परीक्षा घोटाले होते हैं, पटवारी घोटाले हो जाते हैं, अभी आप देखिए नर्सिंग घोटाला तक चल रहा है, उसमें छात्रों के साथ में उनके एग्जाम नहीं होते हैं, नीट के पेपर तो लीक कर दिए जाते हैं, सब जगह घोटाला ही घोटाला जा रहा है। ये मोहन सरकार के ऊपर भी एक सोचने का विषय है कि आपके राज में, प्रधानमंत्री मोदी के राज में पेपर लगातार लीक होते जा रहे हैं। छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, छात्र जब एग्जाम सेंटरों पे आते हैं तो उनको 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है। और बाकी में देखा जाए तो उनको जब भी जैसे भी उनकी डिग्री की बात आती है या कुछ भी पटवारी के एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, बाद में पता चलता है उन्हें कि उनका तो पेपर लीक हो गया है। हम ये मांग करते हैं कि पन्नालाल जी या तो कॉलेज परिसर में आए, माता जी के मंदिर के आगे अपनी नाक रगड़ के माफी मांगे, अन्यथा अपना इस्तीफा दे दें। और हम इनको 48 घंटे की चेतावनी भी देते हैं, अन्यथा हम इनके घर का घेराव भी करेंगे। मेरा नाम फलेश्वर राज सिंह सिसोदिया, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष बना। वरवटपुरा के 25 से 30 घरों में नलों से नहीं आ रहा पानी, शिकायत लेकर पीएचई कार्यालय पहुंची महिलाएं।
गुना बारिश के मौसम में एक तो मानसून रूठा हुआ है, बरसात नहीं हो रही है। वहीं शहर में कई जगहों पर अभी भी नलों में ठीक ठाक पानी नहीं आ रहा है। इस बीच बरवरपुरा का ताजा मामला सामने आया है, जहां पिछले 15 दिनों से 25-30 घरों में नल नहीं आए हैं, जिसके चलते मोहल्लेवासी परेशान हैं। आज लोगों ने पीएचयू कार्यालय में जाकर इसकी शिकायत की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि नल खोलने वाले ऑपरेटर जानबूझकर नल नहीं खोलते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं। 15 दिनों से हमारे घरों के नल नहीं खोले हैं, हम पैसों से टैंकर मंगवा कर पानी की पूर्ति कर रहे हैं, शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है। महिलाओं ने नल ऑपरेटर नवल और गोपाल को हटाने की मांग करते हुए समय से नलों को खोलने की मांग की है। शिकायत करने पहुंची महिला अपनी नाराजगी जताते हुए पीएचयू कार्यालय के गेट पर टेबल लगाकर बैठ गई। इस पर पीएचयू कार्यालय के कर्मचारी से उनकी बहसबाजी हो गई, हालांकि मामले को जल्द शांत करा दिया गया। क्या नाम है आपका? सपना अलावत। कहाँ रहते हो? बरवटपुरा। ये बताएं क्या समस्या लेके आए थे आज? पानी की, पानी नहीं मिल रहा हमें। 15 दिन हो गए, 15 दिन से बिल्कुल नल नहीं आ रहा। नल वाले को फोन लगाते, नल वाला कहता बरवटपुरा में पानी नहीं दूंगा कुछ भी हो। ऐसा क्यों? ये कहता नहीं दूंगा मैं, पानी नहीं दूंगा बस बरवटपुरा में। पाइप साइप के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, कहीं भी जाओ, पानी नहीं दूंगा। और ज्यादा करेगी लेडीजों को मैं मारूंगा। किसका कहना है जी? ये नवल और गोपाल। कौन है जी? ये गोपाल है, ये नई पी एच टी का ही है। ओजा नल खोलने वाला, ओजा समाज का है। और वो नवल धाकड़, हाँ धाकड़। और वो उसकी मर्जी। क्या क्या काम करते हैं? पी एच टी में काम करते हैं। तो कितने लोग परेशान हो रहे हैं आप? हम कम से कम 20 घर के परेशान हो रहे हैं। 20 घर बिल्कुल पानी नहीं है, 20-30 घर से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा परेशानी है, हम टैंकर पैसन से टैंकर बुला बुला के पानी ले रहे हैं। हम रात रात भर पानी। क्या क्या चाहते हैं आप? हमें पानी चाहिए, गोपाल लड़ जाए और वो धाकड़ है। हमें पानी चाहिए और बस पानी चाहिए, और कोई लड़ाई लंगा नहीं चाहिए हमें। सबको बस हमें तो पानी मिले और ये गोपाल लड़े और कुछ भी नहीं। और कहता है गिराफ धाकड़ मत, गोपाल बोलता है गिराफ धाकड़ मत बोलना, 500 आदमी लेकर चलता है वो। ये किसका कहना है? ये गोपाल का कहना है। मानस भवन में कलश यात्रा के साथ नानी बाई का मायरा शुरू। गुना अग्रवाल महिला मंडल द्वारा मानस भवन में नानी बाई का मायरा का आयोजन किया जा रहा है। कलश यात्रा के साथ आज इसका शुभारंभ किया गया। विवेक गर्ग ने बताया, दामनों से आए आचार्य हिमांशु महाराज के मुखारबिन से नानी बाई के मायरे की कथा का श्रवण पान श्रद्धालु करेंगे। वहीं नृत्य नाटिका के माध्यम से कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। आज सुबह कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा सत्यनारायण मंदिर से प्रारंभ होकर सदर बाजार लक्ष्मीगंज होती हुई मानस भवन पहुंची, जहां मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापना कर कथा शुरू की गई। इस मौके पर अग्रवाल महिला मंडल के अध्यक्ष अंजना सिंगल, सचिव नीलम मंगल सहित सभी कार्यकारिणी महिला मंडल ने आचार्य हिमांशु महाराज का आशीर्वाद लिया। चल समारोह में जगह जगह स्वागत किया गया। अग्रवाल ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, सचिव सुनील अग्रेस, प्रदीप तायाल, संजय गर्ग, विनोद अग्रवाल, वहीं कमल मोदी, नीरज अग्रेस, दीपक मंगल आदि सभी ट्रस्ट के लोगों ने गुरु का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बाजार मंदिर पर हुई मुनि निर्दोष सागर की प्रवचन सभा। आज शांतिनाथ बाजार मंदिर सराफा बाजार पर अष्टहिमका पर्व के अवसर पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान मुनिश्री 108 निर्दोष सागर महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। ये जानकारी देते हुए शांतिनाथ दिगंबर जैन बाजार मंदिर कमेटी के मंत्री धर्मेंद्र जैन बज ने बताया कि इस अवसर पर मुनिश्री ने मंदिर प्रांगण में चल रहे सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए सभी को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के आरंभ में मंगलाचरण के साथ आचार्य विद्यासागर महाराज की चित्र के समक्ष प्रबंध कारिणी समिति गुना के अध्यक्ष संजय जैन कामिनी और महामंत्री अनिल जैन अंकल के साथ बाजार ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र जैन टोंगिया और धर्मेंद्र जैन बच सहित विशिष्ट विभिन्न ट्रस्टी पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित किया और इसके पश्चात मुनिश्री के समक्ष आशीर्वाद हेतु सभी समाजजनों ने श्रीफल समर्पित किया। इस मौके पर मुनिश्री ने अपने प्रवचन में कहा कि यदि सत्संगति हो तो निश्चित रूप से मानव का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। जिस प्रकार किसी वीतरागी साधु के पास जाने पर वृत्ति होती है, इसी प्रकार धर्म की संगति होने पर निश्चित रूप से मानव का कल्याण होता है। वहीं अपने प्रवचनों में विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से धर्म मार्ग प्रशस्त किया और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा भी बताई। इस अवसर पर शांतिनाथ दिगंबर जैन बाजार मंदिर के अध्यक्ष राजेंद्र जैन टोंगिया, मंत्री धर्मेंद्र बज, उपाध्यक्ष जैनेन्द्र झांझरी, पूनम चंद पाटनी, सुरेंद्र भट्टाचार्य, प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष संजय जैन चौधरी, अनिल जैन अंकल, महामंत्री सुरेश
जैन, कटपिस, अजय परवाह, अजय जामनेर सहित प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदाधिकारीगण, विधानाचार्य पंडित विकास छावड़ा, सहयोगी अंकित छावड़ा, सरिता छावड़ा, इंदौर अनुराग जैन, विजय जैन, प्रदीप जैन, आदिनाथ मंदिर कैंट से महावीर पांडे आदि और भारी संख्या में पुरुष और महिला साधर्मी जन भी धर्मसभा में उपस्थित रहे और सभी नमूने श्री की पीयूष वाणी का मंगल लाभ लिया। परमात्मा की वंदना करता है तो सवार करता के कहार करता शिखर जी की वंदना कौन करता उसी टॉप तक सवार भी जा रहा है कहार भी जा रहा है लेकिन कहार तो बाहर खड़ा रहता है वो विश्राम कर लेता है वो सवार परमात्मा के निकट जाकर के कहता है हे भगवान तुम मेरे खत्म खो मिली मेरी संपत्ति आज कहां चंद्र की संपदा कहां इंद्र साम्राज्य हे भगवान धन्य है आज आपके दर्शन हो गए आपके दर्शन करते ही मुझे अपनी संपत्ति मिल गई और जो संपत्ति मिली उस संपत्ति की तुलना मत करना कितनी है हजार है लाख है करोड़ है अरे कहते कहां चक्र की संपदा और बड़ा दृष्टांत चाहिए। कोरी समाज ने कबीरवाणी आश्रम में किया वृहद पौधारोपण। एक पेड़ मांगे नाम अभियान के तहत कोरी समाज गुना द्वारा कबीरवाणी आश्रम में वृहद स्तर पौधारोपण किया गया। सबसे पर समाजजनों ने पौधे की रक्षा का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में महंत कमल दास ग्वालियर, महंत हुकुम दास अशोकनगर के अलावा जगन्नाथ जमुना लाल, भगवान लाल बरेली, संतोष चुगन, गोविंद बुनकर, गोविंद कोरी, ठेकेदार आनंद बुनकर, ब्रजेश पंत, केशव मथानिया, नरेश तेलवार, हरिशंकर पटेरिया, नवल किशोर दामले, मोहन कोरी, मोहन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि वर्तमान समय में जिस तेज गति से जंगलों की कटाई हो रही है उतनी तेजी से पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं इसका दुष्परिणाम मानव समाज के सामने आने लगा है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है यदि शीघ्र पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सजग नहीं हुए तो आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है वृक्ष हमारे समाज की धरोहर है इसकी सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पौधारोपण के दौरान समाज बंधुओं ने नीम, आम, नींबू, नीलगिरी, अमरूद, सीताफल, अनार समेत अन्य फलदार व छायादार प्रजाति के पौधे लगाए। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि हर साल बरसात के मौसम में पौधे लगाए जाते हैं लेकिन लोग उनकी देखरेख करना भूल जाते हैं इससे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं वृक्ष नहीं बन पाते हैं अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में दो दो पौधे ही लगाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं तो हरियाली को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण सुरक्षित भी होगा। सहायक सचिव संघ जीआरएस की हुई बैठक। आज दिनांक 17 जुलाई 2024 को सहायक सचिव जीआरएस संघ की बैठक का आयोजन कुना के प्रसिद्ध गादर गुफा पर किया गया जिसमें ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई एवं कुछ संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए नई नियुक्तियां भी की गई। संघ के अध्यक्ष राम कुमार यादव द्वारा संघ को ब्लॉक और जिला स्तर पर मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। बैठक में जिला इकाई ने सर्वसम्मति से अशोक शिवहरे को जिला उपाध्यक्ष पद पर भी मनोनीत किया गया जिसके कारण आगामी समय में अशोक शिवहरे जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर संघ को मजबूत करेंगे ऐसी संघ को उम्मीद है। सभी सहायक सचिवों ने अशोक शिवहरी शुभकामनाएं और बधाई दी। जिला प्रवक्ता सहायक सचिव संघ के वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पंचायतों के कार्य में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं जिन्हें एक दूसरे के सहयोग से हल किया जा सकता है साथ ही एक दूसरे का सहयोग किया जा सकता है ऐसे अनेक मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। इस अवसर पर बैठक में पांचों ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष एवं जिला टीम के साथ साथ सभी पंचायतों के सहायक सचिव जीआरएस उपस्थित रहे। मियाना से मोहन शर्मा की खबर। जलवायु परिवर्तन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कर रहे हैं जागरूक। एक पौधा माँ के नाम अभियान के अंतर्गत किया पौधारोपण। भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में राज्य मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर जिला कलेक्टर डॉ. सत्येंद्र सिंह पदेन अध्यक्ष भारत स्काउट गाइड मध्य प्रदेश गुना के नेतृत्व एवं जिला आयुक्त आलोक जैन एवं जिला कमिश्नर जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया के मार्गदर्शन जिला क्लैब प्रभारी प्रताप नारायण मिश्रा के नेतृत्व में क्लैब कार्यक्रम के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर जलवायु परिवर्तन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक प्रदूषण विषय पर स्काउटर सुरेश सेन के नेतृत्व में वंदना कॉन्वेंट स्कूल के दल द्वारा नुक्कड़ नाटक किया गया। जितेंद्र वर्मा भट्ट DOC यूथ मोटिवेटर एवं लाइफ कोच ने बताया कि यूनिसेफ के सहयोग से क्लब कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे स्काउट गाइड द्वारा सार्वजनिक स्थलों जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग कम करने के लिए नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रेलवे स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक किया गया जिसका उद्देश्य बच्चों के माध्यम से समाज को जागरूक करना है। साथ ही रेलवे स्टेशन प्रबंधक योगेश सक्सेना एवं अन्य अधिकारियों के साथ एक पौधा माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया गया। रेलवे स्टेशन प्रबंधक योगेश सक्सेना ने स्काउट गाइड को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमेशा सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं, आप हमेशा तैयार रहते हो और लोगों को जागरूक करते रहते हो। इस अवसर पर राखी नामदेव DOC गाइड गाइडर भावना भार्गव स्काउटर सिद्धांत प्रताप सिंह चौहान रोवर रेंजर उपस्थित रहे। आज हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, वहाँ एक के लिए एक वृक्ष
के लिए भी अभी हम लोग चलाएंगे हॉस्पिटलों का पट्टी पेड़ को, और फिर हम ऐसे ही लगवा रहे हैं कि हाँ एक बार ऐसा किया, और पिछला पेड़ भी हमने लगवाया जो देखिए सब रहा है, और अभी भी जो वृक्षारोपण होगा वो भी अब देख रेख में रहेगा जिससे पेड़ लगे। तो आज हमारे जिला संघ स्काउट की ओर से बच्चों ने रेलवे स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक किया, और यहाँ पे स्वच्छता और हमारा जो पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है इसके एक क्लैप पूरा कार्यक्रम है, बहुत सारे विषयों को लेकर इस पर हमने आज यहाँ पे नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। और यहाँ स्टेशन मास्टर हमारी यूके सक्सेना की ओर से हमने एक जो केंद्र सरकार का जो अभियान चल रहा है एक पौधा माँ के नाम को, उसमें बगिया में एक पौधे को रोपित किया, और हमने बहुत बहुत धन्यवाद। फतेहगढ़ में बिजली बिलों में छूट के नाम पर किसानों से विद्युत विभाग ने की धोखाधड़ी, किसानों ने लगाए आरोप, जेई को दिया ज्ञापन। गुना जिले के फतेहगढ़ में 18 जुलाई गुरुवार को किसानों ने विद्युत कंपनी के जेई को ज्ञापन दिया है। फतेहगढ़ इलाके के किसानों का आरोप है नवंबर दिसंबर 2021 में विद्युत विभाग द्वारा तत्कालीन समय किसानों को छूट का वादा करके बिजली बिल जमा कराए गए थे, लेकिन आज तक किसी भी किसान को छूट नहीं मिली, उल्टा विद्युत विभाग द्वारा वादा खिलाफी करते हुए किसानों से छूट के नाम पर जमा कराए गए रुपए में पेनल्टी लगाकर बढ़ी हुई राशि के साथ बिल दिए जा रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। वहीं फतेहगढ़ इलाके में लगातार बिजली कटौती के विरोध में भी किसानों ने एक ज्ञापन दिया है। निष्पक्ष युवा एकता के बैनर तले दिए ज्ञापन में बिजली कटौती को रोककर स्थायी समाधान निकालने की मांग की गई। किसानों की मांग है कि क्षेत्र में धान की रोपाई चल रही है और लगातार बिजली कटौती से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मेंटेनेंस के नाम पर भी आए दिन बिजली कटौती की जाती है, इसमें भी सुधार करने की मांग पर एक और ज्ञापन दिया गया। आज फतेहगढ़ बिजली विभाग में क्षेत्र के किसान भाइयों द्वारा लाइनों की मेंटेनेंस और पुराने बिजली बिलों में सुधार के लिए ज्ञापन दिया गया, क्योंकि पिछले साल नवंबर या दिसंबर में बिजली विभाग के द्वारा छूट के नाम पर किसानों से बिल जमा कराया गया और अभी तक कोई छूट नहीं मिली, और पेनल्टियों के नाम पर बहुत ज़्यादा ही बिल किसानों का इन लोगों ने सौंप दिया है। आज हमने जेई साहब को आवेदन दिया और मांग रखी कि अगर 8 दिन के अंदर अगर बिजली बिलों में सुधार नहीं किया गया तो हम इसी बिजली विभाग के बाहर यहीं पर धरना देंगे और इसका जिम्मेदार बिजली विभाग और बिजली प्रशासन होगा। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द बिजली बिलों में सुधार किया जाए और किसानों से जो वादा अनुसार छूट दी गई थी वो छूट देकर बिजली बिल माफ़ किए जाएँ, हमारी सबसे प्रमुख मांग यही है। साथ ही साथ हमारी मांग है कि पुराने बिजली बिलों में भी कनेक्शन किया जाए, साथ ही साथ लाइनों का मेंटेनेंस किया जाए, और यहाँ फतेहगढ़ बिजली विभाग में एक नए जेई साहब की नियुक्ति की जाए, क्योंकि यहाँ पर जेई साहब का पद रिक्त है, जिससे किसानों को सुविधा हो और समस्याओं का निदान हो, क्योंकि यहाँ पर जेई साहब स्थायी रूप में नहीं बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पन्ना खेड़ा शीतल खेड़ी में कावड़ यात्रा आयोजन समिति की हुई बैठक, 11 और 12 अगस्त को केदारनाथ धाम से निकलेगी कावड़ यात्रा। गुना जिले के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम से 11 और 12 अगस्त को विशाल कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर कावड़ यात्रा आयोजन समिति गुना के कावड़ यात्रा संयोजक धर्मस्वरूप भार्गव ने 18 जुलाई को बताया, कावड़ यात्रा को लेकर शीतलखेड़ी पन्नाखेड़ा हनुमान मंदिर पर बैठक का आयोजन किया गया, अन्य गांवों में भी बैठकें जारी हैं। कावड़ यात्रा को लेकर लोगों से सहमति ली गई, सभी से 11 एवं 12 अगस्त 2024 को विशाल कावड़ यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया गया। केदारनाथ धाम से कावड़ यात्रा शुरू होकर भरकेश्वर महादेव मंदिर खुटियाबाद तक निकाली जाएगी। ये बताएं क्या प्रोग्राम है इसका? इस बार 21वीं वर्ष में भोलेनाथ की विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। इसकी लगभग 2 बैठकों का आयोजन हो चुका है और कार्यक्रम की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। कार्यक्रम के निमित्त लगभग 50 गांवों में अभी तक संपर्क हो गया है और सभी लोग अपना काम छोड़कर कार्यक्रम भव्य हो और समिति के सभी सदस्यों के प्रयास से कार्यक्रम निश्चित रूप से भव्यता को प्राप्त होगा और आप सबका आमजन का जो सहयोग मिलता है उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जो भोलेनाथ की यात्रा में सहयोग करते हैं उन सभी को मेरी तरफ से हृदय से धन्यवाद, शुभकामनाएं
और मैं सभी से प्रार्थना भी करूंगा कि इस कांवड़ यात्रा की सफलता के निमित्त सभी का अपना सहयोग प्राप्त हो। और इस बार हम केदारनाथ से कुटियावत जाएंगे, केदारनाथ से यात्रा प्रारंभ होगी 12 अगस्त सुबह 6 बजे, कलश पूजन के बाद केदारनाथ से यात्रा चलकर कुटियावत पहुंचेगी, जो बीच में भदौरा बड़ा केंद्र है, उसके बाद में 6 किलोमीटर आगे कुटियावत में भरका नाम का स्थान है, वहाँ भरकेश्वर महादेव का अभिषेक करेंगे, बहुत प्राचीन स्थान है, प्राचीन समय में वहाँ सवारी निकलती थी और बड़े बड़े प्राचीन कुंड है जिनकी गहराई का आकलन उस समय भी नहीं हो पाया था, तो इस तरह का प्राचीन स्थल है, उस भरकेश्वर महादेव का वहाँ अभिषेक करेंगे, हजारों की संख्या में यात्री शामिल रहेंगे, माता बहने बंधु सभी उस यात्रा में सम्मिलित होंगे, गांववासी भी यात्रा मार्ग में स्वागत की तैयारी करते ही हैं, यथासंभव सभी प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी रखेंगे और सभी गांववासियों के सहयोग से, सभी कुटियावत वासियों के सहयोग से, सभी यात्रा मार्ग में पड़ने वाले गांव वालों के सहयोग से, सभी आमजन के सहयोग से, हिंदू समाज के सहयोग से भोलेनाथ की कृपा से कार्यक्रम भव्यता से संपन्न होगा। आप सब भी उस यात्रा में पधारें, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि भोलेनाथ की यात्रा में इस बार कुटियावत या केदारनाथ पर पधार कर यात्रा का दर्शन करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। यात्रा कितने तारीख को निकलेगी? 11 तारीख को केदारनाथ के आसपास 6 गांव में ठहरने की व्यवस्था है और 12 तारीख को सुबह 6 बजे कलश पूजन के उपरांत यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। 12 अगस्त को ही यात्रा कुटियावत ग्राम में पहुंचकर भरकेश्वर महादेव का अभिषेक करेगी। क्या सुनना? मेरा धर्म स्वरूप। हुसैन की याद में मियाना में निकले ताजिया अखाड़े में बड़ों के साथ छोटों ने भी दिखाया दमखम। मियाना में आज मुहर्रम के पर्व पर मुस्लिम समुदाय ने हुसैन की याद में ताजी निकाले गए। मियाना में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल देखने को मिलती है। मियाना के मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू समुदाय के लोग भी ताजी का निर्माण करते हैं। आपको बता दें कि मियाना में पिछले कई वर्षों से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना से ताजिया निकालते हैं। अखाड़े में भी अपनी कलाबाजी की प्रस्तुति मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू समुदाय के लोग भी करते हैं। शाम को सभी ताजी हुसैन की याद में या हुसैन नारे के साथ मियाना के पुराना बाजार पहुंचे। इसके बाद सभी ने हुसैन से विश्व शांति, ग्राम शांति और सौहार्द की दुआ मांगी। इसके बाद एक जगह पर एकत्रित हुए, तत्पश्चात अखाड़ा प्रारंभ हुआ। अखाड़े के क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी ने अपनी अपनी कलाबाजी से सभी का मन मोह लिया। वहीं मियाना इस मौके पर नायब तहसीलदार मयंक खेमरिया, पटवारी कपिल भार्गव भी पहुंचे। उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया। मियाना के जनप्रतिनिधियों ने भी अखाड़े में पहुंचकर कलाबाजी की टेक। मियाना के जनप्रतिनिधियों ने भी अखाड़े में पहुंचकर कलाबाजी दिखाई। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कलाबाजी दिखाई। कोई चक्री चलाता दिखा तो कोई मुकदर, कोई तलवारबाजी तो कोई लट चलाता हुआ दिखाई दिया। सुबह होते ही सभी ताजी करबला के लिए सिंध नदी पर ले जाए गए। मियाना से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। तहसील कार्यालय आरोन में हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक, विधायक जयवर्धन सिंह, एसडीएम सहित अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। आरोन तहसील मुख्यालय पर आरोन नगर के तहसील कार्यालय में 18 जुलाई गुरुवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, आरोन एसडीएम विकास कुमार आनंद के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं सिविल अस्पताल आरोन का स्टाफ मौजूद रहा। रोगी कल्याण समिति की बैठक में विभागीय समीक्षा करते हुए विधायक जयवर्धन सिंह ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए विभागीय अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान रोगी कल्याण समिति के पिछले एवं आगामी समय में होने वाले कार्यों को लेकर चर्चा की गई। आय व्यय एवं लोगों को मिले स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली गई। बैठक में मौजूद शासकीय अधिकारी कर्मचारी स्वास्थ्य अमले को विधायक जयवर्धन सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चारणपुरा फिल्टर प्लांट पर 33 केवी लाइन को काटकर अज्ञात लोगों ने ट्रांसफार्मर को किया क्षतिग्रस्त। नगर परिषद सीएमओ ने चांचोड़ा थाना में की शिकायत। चांचोड़ा तहसील मुख्यालय पर चांचोड़ा नगर परिषद क्षेत्र में पानी की सप्लाई करने के लिए फिल्टर प्लांट पर रखे 33 केवी लाइन को क्षतिग्रस्त कर ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचाया गया है। घटना 17 एवं 18 जुलाई की रात की बताई गई है। 18 जुलाई को नगर परिषद चांचोड़ा के सीएमओ भगवान सिंह बिलाला ने चांचोड़ा थाना में दिए शिकायती आवेदन में बताया, फिल्टर प्लांट चारणपुरा पर 33 केवी लाइन को बीती रात 12 बजे के आसपास अज्ञात लोगों द्वारा
ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचाकर क्षतिग्रस्त किया गया। लाइन अभी तक चालू नहीं हो पाई है, जिससे नगर परिषद क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। सीएमओ द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में बताया गया, जो भी इस कार्य में लिप्त है वह तकनीकी जानकार व्यक्ति है, क्योंकि 33 केवी लाइन को अज्ञात, अनजान या आम व्यक्ति नहीं काट सकता। जानकार व्यक्ति द्वारा ही 33 केवी लाइन को काटकर फिल्टर प्लांट के ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त किया है। सीएमओ की शिकायत पर चांचोड़ा थाना पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। फिल्टर प्लांट चारणपुरा में विद्युत कंपनी और नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया, जहां पर फिल्टर प्लांट के ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त किया गया है। अभी रात के 12 बजे मुझे पता चला कि यहाँ पर जो लाइन डाली हुई है ट्रांसफार्मर की, वो किसी असामाजिक तत्व द्वारा यहाँ पर बंद कर दी गई है, जिससे पानी की सप्लाई नगर में बंद हो चुकी है और मतलब भारी संख्या में यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया गया है। मुझे अभी मालूम पड़ा है, मैंने वहाँ पर जाके चेक किया है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर निकाला गया है, वहाँ पर बहुत लंबी लाइन काटी गई है। ये किसी असामाजिक तत्व की करी हुई कार्यवाही है। जो भी इसका अगर निकलेगा, जो भी जिसने करा है, उस पर हमारा प्रशासन उस पर कार्यवाही करे और उसके जल्द से जल्द सजा सुनवाए। इसके लिए आपने क्या पुलिस में भी कोई शिकायत की है? हाँ, हमने पुलिस में अभी FIR दर्ज कराई है इसके लिए, और हमारा यही कहना है कि उस पर जल्द जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि सुचारू रूप से वाटर सप्लाई की जा सके। ट्रांसफार्मर में खराबी को लेकर जो हुआ है, तो उसमें विद्युत प्रदाय मतलब उसमें वाटर सप्लाई में भी दिक्कत आएगी? सप्लाई टोटल बंद है 17 घंटे से। पता पड़ी है कि वाटर सप्लाई बंद पड़ी हुई है, और अभी हमने तुरंत मतलब इमरजेंसी में दूसरी लाइन से जनता को पानी पिलाने का प्रयास किया है, क्योंकि 2 महीने से हम बराबर जनता के संपर्क में रह के उन्हें पानी की सप्लाई करा रहे हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं आ रही है, किंतु किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ करने को सोचा है, जिसके कारण पूरी जनता परेशान है और हम खुद अध्यक्ष इस कारण से परेशान है। और मेरी यह है, सभी से अपील है कि ऐसे व्यक्तियों को कानून की तहत से, और मतलब जो भी मुजरिम हो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। फार्मर भी जो ले जाने का प्रयास किया, इसको देख के ऐसा लग रहा है किसी अज्ञात चोर के द्वारा जानबूझ के इसको नुकसान पहुंचाने और ऑयल और कॉइल चोरी करने के उद्देश्य से इसके साथ में छेड़छाड़ की गई है। तो कब तक इसका मेंटेनेंस हो पाएगा? इसका मेंटेनेंस जो हमारे अंडर में नहीं आता, इसका मेंटेनेंस नगर पालिका को अपने लेवल पर ठेकेदार के द्वारा करना है। तो कौन सी विद्युत लाइन है सर? ये 33 की लाइन ST कनेक्शन है, ST कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है। तो कोई जानकार आपकी नज़र में होगा, मतलब कैसे इसको डैमेज किया होगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? जानकार तो डैमेज नहीं हो, तो क्या है कि अब जो विद्युत की चोरी करते हैं उन्हें पता होता है कि कैसे चोरी करना है। उन्हें ए बी स्विच काट लिया, ए बी स्विच काट के करंट बंद कर दिया, करंट बंद करके डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई को हर वर्ष देश भर में अपना स्थापना दिवस राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाता है, जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों, संगोष्ठी सभाओं, प्रतियोगिताओं, महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डालने व सेवा कार्य जैसी अनेक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर परिषद की राष्ट्रवादी विचारधारा को आम छात्रों के बीच रखते हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना द्वारा आज महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में मातृशक्ति अहिल्याबाई होलकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण एवं मातृशक्ति पर चर्चा करते हुए अभावे मध्य भारत प्रांत की प्रांत सहमंत्री कुमारी मुस्कान सैन ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्र के प्रति उनके त्याग, तपस्या, समर्पण एवं बलिदान से छात्रों को अवगत कराया एवं विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। शिवराज चंदेल, नगर मंत्री अभावे गुना। AIDSO ने तत्ता टोपे विश्वविद्यालय और PG कॉलेज गुना में छात्र संख्या अनुरूप नए स्टाफ की अविलंब भर्ती की मांग को लेकर उच्च शिक्षा विभाग को सौंपा ज्ञापन। आज छात्र संगठन AIDSO के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना के प्रचार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि छात्र संख्या अनुरूप शिक्षकों व स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे गुना महाविद्यालय के शिक्षकों व स्टाफ को तात्या टोपे विश्वविद्यालय में डिप्लोमेंट को रोकने तथा गुना महाविद्यालय एवं तात्या टोपे विश्वविद्यालय अविलंब शिक्षकों व स्टाफ की नई भर्ती की जाए। AIDSO के कॉलेज इकाई अध्यक्ष देवेंद्र सेन ने कहा कि शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना लंबे समय से शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ
की भारी कमी से जूझ रहा है, जिसके कारण महाविद्यालय के कामकाज में खासी दिक्कतें छात्रों और तमाम स्टाफ को आ रही है। शैक्षणिक स्टाफ को भी गैर शैक्षणिक कार्यों में मजबूरन संलग्न रहना पड़ता है। महाविद्यालय में कक्षा लगा पाना सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। बिना पढ़ाई के ही महाविद्यालय चल रहा है। छोटे छोटे कामों के लिए भी छात्रों को कई दिन चक्कर काटना पड़ रहे हैं। ऐसी एक स्थिति में महाविद्यालय से 14 स्टाफ का किसी अन्य जगह डिप्लॉयमेंट यहाँ छात्रों और मौजूद स्टाफ की मुसीबत को और बढ़ा देगा। हाल ही में महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, जिसमें प्रचार माध्यमों से प्रचार किया गया था कि एक ऐसा कॉलेज बनाया जा रहा है जिसमें हर तरह की सुविधा छात्रों को मिलेगी, व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाएगा, किंतु काम ठीक उसके विपरीत हो रहा है। आम जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ नाम बदलने के लिए और प्रचार करने के लिए ही ऐसा किया गया है? इसके अलावा तात्या टोपे विश्वविद्यालय का संचालन क्या सिर्फ 14 स्टाफ के भरोसे ही चलेगा? विश्वविद्यालय खोलते वक्त उसके संचालन के लिए जरूरी और उपयुक्त स्टाफ की भर्ती के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाई गई? क्या वास्तविकता में राज्य सरकार तात्या टोपे विश्वविद्यालय का एक विश्वविद्यालय होने के मापदंड ऐसे पूर्ण करेगी? सरकार के दोनों कार्य भी नई शिक्षा नीति 2020 की तरह ही खोखले वादों का पिटारा लग रहे हैं, जिसमें सुविधा की बात तो कही गई है लेकिन उसके लिए एक भी संसाधन नहीं जुटा गया। वहीं सैकड़ों कोर्स शुरू किए गए लेकिन उनको पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की गई। ये शिक्षा के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। शिक्षा के प्रति इस उदासीनता के खिलाफ इस तमाम शिक्षा प्रेमी लोगों से अपील करते हैं कि वे एकजुट हों और शिक्षा को बेहतर बनाने के आंदोलन को तेज करें। ज्ञापन में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। जी बताएं, आज जो ज्ञापन दिया है, आज हम लोगों ने छात्र संगठन AIDSO के द्वारा प्राचार्य महोदय के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन दिया है। अभी सर्वविदित बात यह है कि यहाँ पर PG कॉलेज गुना लंबे समय से कई सारी अनियमितताओं से गुजर रहा है। यहाँ पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की भारी कमी है। अभी जब एग्जाम चल रहे थे तब यहाँ का पूरा स्टाफ, जो शैक्षणिक स्टाफ भी था और गैर शैक्षणिक स्टाफ भी था, वो सभी लोग सिर्फ परीक्षा के काम में लगे हुए थे। यहाँ पर और कोई काम, सारे काम बंद हो चुके थे। स्टूडेंट परेशान थे, इतने स्टाफ की यहाँ पर कमी है। कोई फॉर्म जमा करने की अगर उस दौरान अगर बातचीत आती थी तो उसको 2-3 दिन 4 दिन तक चक्कर लगाना पड़ता था। स्टूडेंट लाइन में लग रहे हैं क्योंकि एक ही जगह कंप्यूटर है, स्टूडेंट लाइन में लग रहे हैं क्योंकि फॉर्म जमा करने के लिए कोई है नहीं। इस तरह की भारी कमी के बीच में यहां से 14 स्टाफ को तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में यहां से भेज दिया गया है। हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी व्यवस्थाएं हो, इसको लेकर से आंदोलन चल रहा है कि यूनिवर्सिटी में सरकार व्यवस्था करे, पूरे स्टाफ की भर्ती करे, उसकी बिल्डिंग जैसी बननी चाहिए यूनिवर्सिटी के मानदंडों के अनुसार ऐसी बनाए। लेकिन एक बनी बनाई व्यवस्था को भंग करके, जो हम पहले भी बोले थे, जैसे पीजी कॉलेज गुना को बंद करने के यूनिवर्सिटी खोलने की बारी जब आई थी तब भी हम लोगों ने बोला था कि एक बनी बनाई व्यवस्था को भंग करना कहीं भी जायज नहीं है। इसीलिए पीजी कॉलेज में जो अनियमितताएं चल रही है, स्टाफ की कमी है, उसको और बढ़ाना चाहिए था। उच्च शिक्षा विभाग ने उल्टा किया कि यहां से 14 स्टाफ को डिप्लॉय करके यूनिवर्सिटी में भेज दिया। यूनिवर्सिटी में और स्टाफ की भर्ती कीजिए, लेकिन पीजी कॉलेज गुना में भी स्टाफ पर्याप्त चाहिए। पहले से यहां पर काफी संख्या में स्टाफ की कमी है, उस स्टाफ की भर्ती कीजिए। इन मांग को लेकर यूनिवर्सिटी में तमाम व्यवस्थाओं के आधार पर माने यूनिवर्सिटी संचालित की जाए। इन दोनों मांगों को लेकर के हम लोगों ने यहां पर आज ज्ञापन दिया है, क्योंकि अभी यहां पर स्टूडेंट लोग आ रहे हैं और लगातार परेशान होकर के कई सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर है। ये लगातार हो रहा है। उच्च शिक्षा विभाग का खुद का आंकड़ा है कि ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, स्कूलों से भी बढ़ रहा है और यूनिवर्सिटी कॉलेज से भी बढ़ रहा है। तो इस दिशा में सरकार कर क्या रही है? ये कदम क्या इनको पहले समझ में नहीं आया कि यूनिवर्सिटी हम लोग खोलेंगे तो यूनिवर्सिटी में किस किस चीज की जरूरत है? क्या हमें स्टाफ की जरूरत नहीं होगी? क्या हमें टीचर्स प्रोफेसर की जरूरत नहीं होगी? क्या हमें बिल्डिंग की जरूरत नहीं होगी? क्या ये सवाल इनके सामने पहले नहीं आया? क्या शासन प्रशासन इस पर कोई विचार नहीं किया? फिर दूसरी बात कि यहां पर जो व्यवस्था बनी बनाई है उसको भंग किस आधार पर कर रहे हैं ये लोग, उसको भंग करके क्या करना चाहते हैं? तो ये सारे सवाल अब स्टूडेंट के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों इश्यू है, ये दोनों इश्यू नई शिक्षा नीति की तरह ही खोखले साबित हो रहे हैं। जो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का इशू है और दूसरा यूनिवर्सिटी का है, इनने प्रचार करने के लिए दोनों काम किए हैं। पूरे मध्य प्रदेश भर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खुला है, लेकिन 2 दिन बाद ही यहां पर स्टाफ को और हटाया गया है, जबकि स्टाफ यहां पर बढ़ने का वादा हुआ था। तो वादों के खिलाफ ही ये सरकार कर रही है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और तमाम आमजन से अपील करते हैं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। अगर यहां पर स्टाफ भर्ती नहीं हुआ तो हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम शुभम राव, सचिव कॉलेज का AIDSO। अतिथि शिक्षकों ने फिर उठाई अपनी मांगे, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। समय समय पर अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने वाले अतिथि शिक्षकों ने फिर अपनी मांगों के लिए आवाज उठाते हुए शासन के समक्ष अपनी तमाम मांगों को उठाया है। गुरुवार को जिला मुख्यालय पर अतिथि शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गत महापंचायत में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा अनुसार आदेश जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शासन 12 माह का कार्यकाल और 62 वर्ष की आयु तक सेवा काल करने का आदेश जारी करे। शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को कार्य अनुभव का लाभ देते हुए नियमित करे,
कार्यालय जहाँ अतिथि शिक्षक पदस्थ है वहाँ पर नियमित शिक्षक भर्ती स्थानांतरण और पदोन्नति से पदस्थापना नहीं की जाए सहित कई मांगों को उठाए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक मौजूद रहे। जी बताएं किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। हमारे जो अतिथि शिक्षक संघ है जिसके ऊपर 2 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी महा पंचायत में उन्हीं घोषणाओं के आदेश करवाने के संबंध में आज हम ज्ञापन देने के लिए जिलाधीश महोदय के सामने उपस्थित हुए। क्या मांग की थी? मांग थी उसमें कार्य अनुभव के आधार पर विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर नियमित किया जाए और अनुभव के आधार पर मतलब वरीयता क्रम रखते हुए 12 माह 65 वर्ष तक सेवा काल किया जाए हमारा और अनुभव के अंक दिए जाए हमारी अतिथि विद्वानों के शिक्षक भर्ती। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील धाकर, अतिथि शिक्षक संगठन प्रदेश संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संगठन से समन्वयक रहा। नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने किया पार्टी फंड में समर्पण। गुना भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले भर में आजीवन सहयोग निधि का संग्रह किया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने पार्टी फंड में अपना समर्पण राशि का चेक भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार एवं गुना विधायक पन्ना लाल शाके के हाथों में सौंप कर रसीद प्राप्त की। इसी के साथ ही सुरेंद्र जाट कल्लू सहित अन्य लोगों ने पार्टी फंड में अपना समर्पण किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री संतोष दहीफल, शिवपाल परमार, जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली, वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे।